युवक को अपहरण कर जान से मारने का किया प्रयास, मामला दर्ज। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा निवासी माकन सिंह पुत्र घुमरी लाल ठाकुर उम्र 32 साल ने थाना राजाखेड़ा में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया है कि दिनांक 10 जनवरी 2023 को मारुति गाड़ी में बैठकर आगरा के लिए जा रहा था। आगरा से मुझे दिल्ली जाना था क्योंकि दिल्ली में मजदूरी का काम करता हूँ। सिकरौंदा मोड़ पर एक सफ़ेद रंग की बिना नंबर की गाड़ी को गाड़ी के आगे लगाकर गाड़ी को रोक दिया। वहाँ पर नामजद लोगों ने मुझे गाड़ी में से खींचकर बुरी तरह मारपीट की, जिनके हाथों में 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 6 कारतूस थे। उन्होंने मेरा बैग, पर्स, 2 मोबाइल, 19,500 जो बैग में रखे थे सभी छुड़ा लिए। मुझे जान से मारने की नीयत से निभोरा उत्तर प्रदेश के बीहड़ में ले गए तथा मेरी गर्दन में सापी से फंदा डालकर खींचने लगे, जिससे मेरी गर्दन में काफ़ी चोट के निशान हैं। बाद में मुझे फिर गाड़ी में डालकर ले जाने लगे तो एक गड्ढे पर गाड़ी धीरी पड़ी तथा गाड़ी का लॉक खुल गया तो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। किसी प्रकार से मेरे रिश्तेदारों को मालूम पड़ा, वहाँ से ही मैंने घर सूचना भिजवाई तो मेरी पत्नी के द्वारा तुरंत थाना राजाखेड़ा में सूचना दी। राजाखेड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर अपनी गाड़ी में मुझे उठा करके लाई। पुलिस की आनन फानन में तुरंत की गई कार्रवाई के लिए माकन सिंह ने राजाखेड़ा पुलिस को धन्यवाद दिया है। माकन सिंह के द्वारा लिखित रिपोर्ट देने पर थाना राजाखेड़ा में दर्ज कर मामले की जाँच प्रारंभ कर दी गई है। राजाखेड़ा से पोत सिंह उद्यनिया की रिपोर्ट। सिंह है, मैं राजाखेड़ा से रहने वाला हूँ। मैं कल दिल्ली के लिए निकला था राजाखेड़ा से ऐसे 9:30 बजे के करीब, तो एक मारुति वैन में बैठ के जा रहा था। वो यूपी नंबर की थी, UPSC करके, उसका पूरा नंबर तो मेरे को याद नहीं है। बाकी के वहाँ से बैठ के निकल गया मैं घनाकपुरा रोड से, तो मैं जो सिकरौंदा मोड़ है वहाँ पहुँचा था मैं। तो वहाँ जाकर मेरे सामने गाड़ी लगा दी, सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, आगे पीछे कोई नंबर नहीं था। और उसमें 4 लड़के थे और 2 बाइक से थे। एक मारुति वैन में बैठा था चुंगी से, उसने पूरी लोकेशन दी थी कैसे ऐसे इस गाड़ी में आ रहे हैं हम। वहाँ जाके गाड़ी आगे लगा दी, 2 पिस्टन थी, 1 कट्टा था उनके पास। और वहाँ से मुझे गाड़ी में डाल पीट के ले गए। मारपीट के ड्राइवर साथ भी हुई, उनने नहीं लेने दिया, जब भी फिर भी उनने ले लिया। मैं वहाँ जाके फिर निवोरा थाने में, निवोरा थाना है, वहाँ से नीचे जाके जंगल में ले गए। वहाँ मेरे साथ मारपीट करी, सापी का फंदा डाल के फांसी देने की कोशिश करी, तो वहाँ पर भी आदमी आ गए थे। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से भी डाल के मेरे को गाड़ी में ले गए, तो लालपुरा गांव है, वहाँ जाके नीचे जाके जंगल में ले जाने लगे, तो वहाँ पे भी जंगल में लेके गए, तो वहाँ पे भी लोग थे, तो वहाँ से गाड़ी बैक करके लेके आ रहे। तो मेरे को कुछ गांव में थोड़ा एक रोड में खड्डा था, वहाँ गाड़ी ने धीरी करी तो मेरे को कुछ लोग दिखे, तो मैं गाड़ी का शीशा वो लॉक खोल गया मेरे अचानक, तो मैं उसमें उतर गया। मैं उतरने समय मैं गिर गया और पैर में मेरी लग गई, और एक गले वगैरह में भी चोट है, पीछे भी चोट है मेरे काफ़ी। तो उनमें था एक योगेश है निवोरा का, एक योगेंद्र है, और एक नारसिंह है, और क्या नाम है, एक राम सेवक है, और एक सतीश। यातायात पुलिस ने वाहनों की गेंद जांच कर नंबर लिखवाए। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस के अभियान के अंतर्गत आज यातायात पुलिस ने गुलाब बाग, वाटर बॉक्स आदि स्थानों पर बिना नंबर के शहर में दौड़ रहे वाहनों की नंबर प्लेट पर नंबर लिखवाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस समझाइश के तौर पर लेकर लोगों से यातायात नियमों को गंभीरता से लेने की अपील की है। आगे पालन नहीं होने पर उन्होंने कठोर कार्रवाई की बात भी कही है। कई बार दुर्घटना के बाद आरोपित वाहन चालक वाहन समेत घटना स्थल से फरार हो जाने में कामयाब हो जाते हैं और नंबर पता नहीं होने से पुलिस उनका पता लगा पाने में भी नाकाम रहती है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने लोगों में जागरूकता लाने की पहल के तहत नंबर लिखवाए जा रहे हैं। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संघर्ष समिति के बैनर तले जयपुर में हुआ प्रदर्शन। जयपुर की प्रमुख खबर। आज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जयपुर जिला स्तर धरने में जयपुर शहर एवं जयपुर जिले के लगभग 1000 कर्मचारी अधिकारी एवं अभियंताओं ने पुराना पावर हाउस राम मंदिर बनी पार्क के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। ऊर्जा विभाग के जोनल मुख्य अभियंता के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया एवं संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से 5 सूत्री ज्ञापन भी दिया गया है। धरने में 2004 के पूर्व एवं बाद के कर्मचारी अधिकारी व अभियंताओं में OPS लागू करने का रोष व्याप्त था। संयुक्त
संघर्ष समिति के आह्वान पर 18 जनवरी को निगम कार्यालय पर प्रदेश स्तर के कर्मचारी अधिकारी एवं अभियंता पुनः धरना देंगे। निःशुल्क परामर्श एवं चिकित्सा शिविर 15 जनवरी को धौलपुर में होगा। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर एवं निविक न्यूरो ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले विशाल निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए युवा जिला अध्यक्ष कपिल अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने बताया कि चिकित्सा परामर्श शिविर 15 जनवरी रविवार को श्री अग्रसेन सेवा सदन धौलपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके सफल आयोजन के लिए जिला अग्रवाल युवा महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। जिला अग्रवाल युवा महासंघ के मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपुरा वालों ने बताया कि शिविर के दौरान जयपुर के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सोनदेव बंसल, आर्थो विशेषज्ञ डॉक्टर अमित अग्रवाल एवं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ ललित किरण सैनी निःशुल्क परामर्श देकर मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरित करेंगे। इसके साथ ही शिविर में ब्लड प्रेशर, मधुमेह एवं हड्डियों में कैल्शियम की बीडीएम जांच की सुविधा भी सभी मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अग्रवाल युवा महासंघ के महामंत्री सेंकी गोयल एवं जिला युवा मंत्री पीयूष मित्तल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी रविवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक श्री अग्रसेन सेवा सदन में किए जाएंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को भेजा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर समस्त उपखंडों पर ज्ञापन दिए गए। इसी श्रृंखला में ब्लॉक संयोजक हरीश शंकर शर्मा नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में उपखंड धौलपुर में ज्ञापन दिया गया, जिसमें अनुरोध किया है कि महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय करें, अन्यथा महासंघ प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों के हितार्थ प्रदेश व्यापी आंदोलन को और तेज करेगा, जिसकी मदद समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी। इस मौके पर कृष्ण कुमार तोमर प्रदेश मंत्री ग्राम विकास अधिकारी संघ श्रीभान गुर्जर जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा जिला अध्यक्ष पंचायती राज शिक्षक संघ गोपाल सिंह परमार जिला अध्यक्ष वन संघ राधा कृष्ण शर्मा जिला अध्यक्ष श्रमिक संघ प्रवीण शर्मा जिला अध्यक्ष वाहन चालक संघ हरेंद्र तोमर जिला मंत्री नर्सेज एसोसिएशन अमर तिवारी जिला अध्यक्ष वन विभाग राम भारत गुर्जर जिला अध्यक्ष सहायक विकास अधिकारी जगदीश मान चंद्रकांत विवेक मिश्रा योगेंद्र सिंह चौधरी रमाकांत कौशिक नर्सेज एसोसिएशन से राजवीर सिंह लक्ष्मीकांत शुक्रवार राघवेंद्र राणा ब्रजराज चाहर हिना खान संजय राठौर सुभाष मनोज शर्मा सहित अनेक कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद रहे। आए जो मजबूरी हो हमारी माने पूरी हो इंकलाब है इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद पूरी करो हमारी माने पूरी करो। चाहे है जो मजबूरी हो नहीं चलेगी दादाशाही नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी। भाजपा नेता के बेटे की श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा जन सैलाब। बाड़ी की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार के बेटे की जघन्य हत्या ग्वालियर में हो गई थी, जिसे लेकर आज कंचनपुर स्थित उनके निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण जिले से अनेक गणमान्य लोग पहुंचे, जिन्होंने भाजपा नेता को ढांढस बंधाया तथा दिवंगत प्रखर परमार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। पचगांव चौकी प्रभारी ने संभाला कार्यभार। धौलपुर की प्रमुख खबर। पचगांव पुलिस चौकी प्रभारी जानकी नंदन ने अपना पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि धौलपुर में चौकी क्षेत्र के अंदर जो भी क्राइम अपराध हो रहे हैं उनको सख्ती से रोका जाएगा। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ मैं काम करूंगा। कोई भी जनता दुखी नहीं होगी। मैं अपने क्षेत्र में चोरी लूटमार को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजूंगा। यह मेरा कहना है कि मेरे क्षेत्र में जो भी व्यक्ति गुंडागर्दी और लूटमार करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आप सभी से निवेदन है कि आप कोई वारदात देखें तो तुरंत संपर्क करें। मैं जनता का सेवक हूं और रेत माफियों को इस चौकी से नहीं निकलने दूंगा। इस चौकी पर इसलिए आया हूं, यहां से अपराध खत्म करने की कसम खाई है। धौलपुर से सनी कुशवाहा की रिपोर्ट। आयुर्वेद इलाज में रोगों को जड़ से खत्म करने की शक्ति है, डॉक्टर धनेश शर्मा। बाड़े की प्रमुख खबर। नगर की सत्यनारायण धर्मशाला में निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि आयुर्वेद विभाग द्वारा 4 जनवरी को 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर की शुरुआत की गई थी। शिविर में 190 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था। शल्य चिकित्सक डॉक्टर धनेश शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में एक वर्ष में एक कैंप लगाया जाता है, जो अतरंग होता है, जो 10 दिन का होता है। इस शिविर में लगभग 71 लोगों का आयुर्वेद पद्धति के द्वारा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें भगंदर के 21 और पायल्स के 50 रोगी शामिल हैं। पूरे शिविर को आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों, कंपाउंडर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद शल्य चिकित्सा एलोपैथिक पद्धति से बेहतर है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चीर फाड़, खून का रिसाव आदि का कोई काम नहीं है। 4 सूत्र द्वारा इलाज किया जाता है, जिसके बाद मरीज को 100% लाभ मिलता है। शिविर में डॉक्टर गोपाली सिंह, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर महेश भारद्वाज, सतीश शर्मा, राजवीर शर्मा, भरत सिंह मीणा, श्याम सिंह मीणा, विनोद कुमार गर्ग, राघविंद्र शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, गोपाल कृष्ण शर्मा, प्रियंका शर्मा, प्रियंका चौधरी, बंटी बबलू, रामदास कुशवाहा, अतर सिंह सहित अन्य कर्मिक शिविर में सेवाएं दे रहे हैं। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ आयुर्वेद विभाग में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप प्रतिवर्ष शल्य चिकित्सा का लगता है, जो अंतरंग होता है 10 दिन का। यहाँ भी 10 दिवसीय शिविर लगा है, उसमें लगभग हमने 70 के आसपास ऑपरेशन किए हैं और लगभग सभी पेशेंट हमारे क्योर हैं, जिसमें अर्श, भगंदर और प्रकृतिका, जिसको फिसर बोलते हैं, सभी पेशेंट हमारे क्योर हैं। और 10 दिवसीय जो है हमारी टीम वर्क होता है, सिंगल एक आदमी का इसमें काम नहीं है। हम भरतपुर से 2 चिकित्सक आए, एक हमारे साथ पियोन आए करौली से, बाकी का 10 का स्टाफ चिकित्सकों का यहाँ का है, 7-8 कंपाउंडर हैं, इतने ही पियोन हैं। चिकित्सा शिविर 4 तारीख से शुरू हुआ था, जो 13 तारीख तक चलेगा। इसमें करीब 190-180 रजिस्ट्रेशन आए हमारे प्रथम 2 दिनों में, 2 दिन भर्ती के थे। उसके बाद 6 तारीख में 36 और दूसरे दिन लगभग 40, ऐसे कुल मिला के लगभग 70 पेशेंटों के ऑपरेट हमारे डॉक्टर धनेश शर्मा जी और प्रताप सिंह जी की टीम। मीना है, खानपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ आयुर्वेदिक विभाग द्वारा लाया गया जो पाइल्स फिसर फिस्टूला के लिए जो शिविर है, उसमें मेरा फिसर और पाइल्स का ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारी सुविधाएं बिल्कुल दुरुस्त है, टाइम पर दवाइयाँ मिल रही हैं और समय समय पर डॉक्टर्स और जो अन्य स्टाफ है, सारी टीम है, वो समय पर ध्यान रख। उदय सेडवाल बने मिस्टर धौलपुर। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजगीता फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा सिंगोरा पैलेस में आयोजित मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग कार्यक्रम में उदय कुमार सेडवाल पुत्र जितेंद्र कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर मिस्टर धौलपुर का खिताब अपने नाम किया। सिंगोरा पैलेस में राजगीता फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मिस्टर धौलपुर के लिए करीब 20 प्रतिभागियों सहित सैकड़ों प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, जिसमें से उदय सेडवाल ने प्रथम स्थान पाकर मिस्टर धौलपुर का खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर टीवी फिल्म एक्टर अंजना चौहान, गोल्डन मैन रणधीर सिंह, स्काउट रोवर विवेक कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बहुत मेहनत की है। कंटेस्टेंट नंबर 17 सेकंड रनर अप, कंटेस्टेंट नंबर 17 सेकंड नंबर रनर अप मिस्टर धौलपुर, मिस्टर धौलपुर सेकंड रनर अप कंटेस्टेंट नंबर 17 एंड द विनर। गाइस प्लीज गेस कीजिए कि बॉयज में मिस्टर धौलपुर 2023 कौन होगा? कौन होगा भाई, कौन होगा बताएं? कंटेस्टेंट नंबर, मैं आगे बोलना चाहूंगी और उनको वेलकम करना चाहूंगी, कंटेस्टेंट नंबर 6 मिस्टर धौलपुर
एसएमसी व एसटीएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा धौलपुर मुकेश कुमार गर्ग एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा के निर्देशानुसार एवं राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेशानुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में एसएमसी एसटीएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण 11 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में होगा। प्रधानाचार्य दक्ष प्रशिक्षक नरेश कुमार जैन एवं प्रधानाचार्य रणवीर सिंह मीणा ने सभी सदस्यों का परिचय जाना, एसटीएमसी सदस्यों की जिम्मेदारी व कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महाराणा स्कूल में भी मास्टर ट्रेनर प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा, व्याख्याता एवं मास्टर ट्रेनर भगवान सिंह मीणा ने एसएमसी व एसटीएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। कार्यवाहक संस्था प्रधान संपत राम मीणा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर व्याख्याता मुकेश नगाइच, सतीश कुमार मीणा, वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार झा, रेखा शर्मा, अनुपम पारासर सहित एसटीएमसी व एसटीएमसी के सदस्यों सहित अन्य उपस्थित रहे। उनका रिजल्ट में परीक्षा परिणाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा उनकी अपनी सहभागिता कर सकते हैं, कौन बताएगा आप लोगों में से, जिससे विद्यालय का परीक्षा परिणाम अच्छा रहे। अच्छा परीक्षा परिणाम अच्छा रहने के लिए अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। बाढ़ की प्रमुख खबर, आज 11 जनवरी नेशनल हाईवे 11 बी स्थित सुनीपुर गांव के पास एक 14 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में घायलावस्था में उपचार करा रहे 14 वर्षीय युवक रिंकू पुत्र मोहर सिंह मीणा निवासी सुनीपुर के परिजनों ने बताया कि उनका पुत्र सुबह गैंगसा पर कार्य कर रहे अपने बड़े भाई को खाना देने गया था। घर लौटते समय युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर एकत्रित हुए नजदीकी लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपचार जारी है। बाढ़ से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट।